देख रहे हैं एसएमई पोस्ट लाइव। पेश है आज की खास एसएमई खबरें। एक सर्वे के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार स्वच्छ भारत अभियान में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। इस सर्वे में भाग लेने वाले लगभग 61% लोगों ने कहा है कि उनके आसपास सफाई पिछले 2 साल में बेहतर हुई है। गांधी जयंती के अवसर पर एमएसएमई मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एनएसआईसी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। एमएसएमई मिनिस्टर कलराज मिश्रा, एमओएस गिरिराज सिंह और हरिभाई ने इस अवसर पर पौधे लगाए और सफाई अभियान में भाग लिया। आरबीआई की नई बनी मौद्रिक नीति कमेटी मंगलवार को 25 बेसिस पॉइंट की पॉलिसी रेट में कटौती कर सकती है, बैंकों ने ऐसी उम्मीद जताई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ऑयल और गैस सेक्टर में स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए 50 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनाया है। लेदर का निर्यात अगस्त में लगभग 8% तक नीचे गिर गया है। इसका प्रमुख कारण यूरोपीय यूनियन की बाजार में मांग में आई कमी को माना जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित हुए एमएसएमई कन्वेंशन में एमएसएमई मिनिस्टर कलराज मिश्रा ने एक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस पॉलिसी से एमएसएमई यूनिट्स को सेटअप करने में सहायता की जाएगी। स्टार्टअप्स को इनकरेज करने के लिए बनाई गई पॉलिसीज के तहत सरकार ने आज 21 कंपनियों के प्रपोजल्स को टैक्स रिलीफ के लिए रिव्यू किया। वीसी फंड एक्सफिनिटी के चेयरमैन और इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ बालाकृष्णन हाईटेक इंटरप्राइजेज स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए लगभग 1000 से 1300 करोड़ रुपए ऑफशोर फंड रेज करेंगे। भारत के 10 स्टार्टअप्स जापान के सबसे बड़े आईटी फोरम कंबाइंस एग्जीबिशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में भाग लेंगे। एमएसएमई मिनिस्टर कलराज मिश्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में रोजगार बढ़ाने और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।